गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आई जब सुबह सुबह नीचे तो बहुत तेज़ बाहर आवाज़ आ रही थी, फिर मैंने आके देखा तो चारों तरफ बहुत तेज़ हवा चल रही थी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो गेंदे का फूल लगा हुआ है ना, इधर क्यारी में जो भी चीज़ें लगी हुई हैं ये नहीं हिल रही हैं, बाकी सब चीज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है सब कुछ आज गिर ही जाएगा। बट फिर भी आज मिश्का का स्कूल भी खुला, आज कुछ वेदर वार्निंग भी आई थी बट फिर भी मतलब खुला ही हुआ है स्कूल। यहाँ पे इतना जल्दी बंद भी नहीं करते। तो अभी चलते हैं किचन में और लंच की तैयारी करते हैं मिश्का की। मिश्का को आज पास्ता खाना था लंच में, तो उसके लिए ही मैं उबाल रही थी। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और उबाल लेती हूँ। मैंने चने भिगोए थे छोले बनाने के लिए, बट फिर वो प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि पास्ता सैलेड मैंने अपने दोस्त के घर पे खाया तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो फिर न जाने कितने बार मैं बना चुकी हूँ, बस इसमें वो पास्ता टमाटो चिकपी बॉयल करके और कुकुम्बर और अनियन जो भी आपके पास वेजिटेबल्स है ना, कैरेट वगैरह भी सब कुछ ही डाल दो। मैंने इसमें इतना ही डाला है और उसके बाद ये ड्रेसिंग आती है एक सीज़र करके, तो वो वाला डाला हुआ है मैंने और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी है। और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है और पड़ा हुआ था भुना हुआ जीरा मैंने वो भी डाल दिया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी हेल्दी। तो नाश्ता तो कर लिया, अब इसके बाद बारी थी इस कमरे को सही करने की, थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की, थोड़ा डीप क्लीन करने की। डेली तो होता ही है साफ़ सफाई, बट आज डीप क्लीन करना था मेरे को। सारे ड्रॉर्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती हैं ना, तो वो सबको निकालना था। और यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं मिलता, यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ता। और घर 3 फ्लोर में हो तब तो सफाई की मतलब पूछना ही नहीं है, कितना उसको मर मर के साफ़ करना पड़ता है। तो अभी लग जाते हैं सफाई में और दिखाते हैं आपको साफ़ सूफ करने के बाद कैसा दिखता है घर। और अभी सारी साफ़ सफाई जो है हो चुकी है और काफ़ी अच्छी धूप भी निकल गई है, तो मैं सोच रही हूँ सारे पौधों को धूप दिखा दूँ। फिर इतनी सारी साफ़ सफाई ये सब काम करने के बाद हमें थोड़ी भूख लग गई थी, फिर मैंने सोचा चलो इसी बहाने थोड़े फ्रूट्स भी ख़त्म हो जाएंगे और हम खा भी लेंगे। और मैं तो ऐसे भी फ्रूट्स खा लेती हूँ, बट पतिदेव को अगर ऐसे काट वाट के अच्छे से ना दो तब तक वो खाते नहीं हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट चाट, और आजकल हमारा ये बहुत ही मतलब हो गया है फ्रूट चाट डेली का हो गया है। तो अभी फ्रूट चाट बना रही हूँ और मेरे को भी अभी ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया है इस तरीके से बना के। और पहले तो मैं ऐसे ही खा लेती थी, मेरे को ऐसे फ्रूट्स खाने में कोई नखरा नहीं होता, मैं खा लेती हूँ आराम से। तो ये हो गया हमारा फ्रूट चाट रेडी और इसको हम अब ले जाके दे देंगे पतिदेव को। तो अभी मिश्का स्कूल से आई है और उसको हम लोग इमरजेंसी में अभी लेके आ गए, क्योंकि स्कूल से बताया है कि इसके आंखों में सैंड फेंक दे किसी बच्चे ने, तो बस हम आ गए वही। और ये देखो इसका घर पे आई है तो खूब रो रही थी, हम लोग इतना घबरा गए हैं, जल्दी जल्दी लेके आए और यहाँ पे आके ना पूरा डांस वांस करने लग गई है, हंसने लग गई है। तो क्या ही बताया जाए, ऐसे बच्चे को कौन सीरियस लेगा।
और हम अब अंदर आ चुके हैं, बैठ गए हैं। हमें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना बोले कि एक ही लोग रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। साथ में हमने इसके भी कुछ सामान वगैरह लिए थे, जैसे स्कूल से आई है, स्कूल में नॉर्मली ये कुछ भी खाती नहीं लंच में, तो इसके लिए कुछ खाने पीने का भी चीज़ें था, इसके एक्स्ट्रा कपड़े, मतलब कुछ तो करने का टाइम ही नहीं था। झट से लेके इसको स्कूल मतलब आई है और फिर तुरंत निकले हम लोग, तो वही है, तो इतना सारा सामान लेके मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो मेरी भी खुद ही हालत ख़राब थी आजकल, तो थोड़ा कफ एंड कोल्ड हुआ था, तो मतलब इसीलिए अच्छा है दोनों लोगों को आने दिया। और अच्छा हुआ कि हमने पानी और खाना, मतलब चिप्स वगैरह ले लिया था, कुछ फ्रूट्स ले लिए थे ताकि मिशका यहाँ पे खा सके, नहीं तो फिर तो बहुत ही वो हो जाती गड़बड़, क्योंकि यहाँ से फिर पता नहीं कब नंबर आता है कब नहीं आता, बहुत लंबा टाइम लगता है। और जब मिशका स्कूल से वापस आती है तो फिर बहुत ही भूखी रहती है, क्योंकि दिन भर इसने कुछ नहीं खाया रहता है, मतलब लंच में तो ये लेके जाती है, शायद ही कभी कोई चीज़ खा ले, नहीं तो रोज़ लंच वापस ही लेके आती है। तो वही है, आज इसके आँखों में ना किसी बच्चे ने ऐसे सैंड फेंक दिया था, तो वही इसीलिए आ गए हैं। वैसे तो मैंने पानी से जब साफ़ किया तो इसकी आँखें सही हो गई, आई थी स्कूल से तो काफ़ी रेड रेड थी, तो फिर और बहुत रो रही थी, तो फिर मैंने बहुत बार ऐसे छींटे मारे पानी के, फिर प्राइमरी अभी चेकअप हो गया है, लेकिन फिर हमें लग रहा है कि थोड़ा और वेट कर ले, आज अच्छे से इसका चेक करा के जाए, क्योंकि वैसे भी ये चश्मा लगाती है तो फिर हमें बहुत डर रहता है भाई कि और कुछ दिक्कत ना हो। और अभी हमें वेट करते हुए 4-5 घंटे हो गए थे, और उसके बाद यहाँ पे फायर अलार्म ऐसे बज रहा था, फिर हमें लग रहा था यार भागना ना पड़े और सारा बर्बाद हो जाए, बट थोड़ी देर में पता चल गया कि वो ऐसे ही बज रहा था बस सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो फिर वो चेंज वेंज कर रहे थे या क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कुछ, और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे डॉक्टर से फाइनल मिलने के लिए, एक रूम मिल गया है, बट यहाँ पे भी हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लग रहा है अभी। मतलब हम लोग आए थे कितने बजे, हम लोग मिशका जस्ट आती है 4:15 के आसपास, नहीं एग्जैक्ट 3:30 पे आ जाती है मिशका, तो हम लोग तुरंत ही उसके बाद, मतलब 4:15 हुआ होगा तब तक हम लोग निकल गए थे। और अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है, अभी 8 बज गए हैं और अभी तक डॉक्टर मिले नहीं, तो देखते हैं कितना टाइम अभी और लगेगा। What happened to your eyes? I just got some dream on my. Anyways, I just got yellow on my. I got yellow on my eyes, but that's just the eye drops. And I even got this cream to soothe your eyes. Yeah. There's more sand on the exit. No, more side as in the inner side of your eye. So we just put some cream on it. Okay, four times a day, and let's go. Let's go. Those lights. वो ऑइंटमेंट जो लगाया है वो इसीलिए लगाया है मिशका। What? उसमें येलो दिखेगा तुमको। वही तो बोल रही थी वो। आराम आराम से चल बेबी। और मम्मा का हाथ नहीं छोड़ना मिशका। अच्छा किया ना यार। देखो, इसीलिए फिर हम जाके पूछे। ये फिर 2 दिन बाद कौन लगाएगा और बच्चे को क्या ही पता चलेगा, 2 दिन बाद खुद ही भूल जाएगा। हाँ, मिश्का को लेकर आ चुके हैं हॉस्पिटल से और अभी हमें बहुत लेट हो गया, तो फिर घर जाके खाना बनाने में बहुत लेट हो जाएगा,
इसलिए हमने सोचा कि बाहर से ही खाना लेते हुए चलते हैं। और मिश्का को नूडल्स खाना था, है ना मिश्का? आज तो मिश्का ने इतना वो दिखाया है सब्र, और परेशान नहीं किया ज्यादा, तो मिश्का जो बोलेगी वही होगा, है ना मिश्का? चलो ठीक है बेटा, चलो चलते हैं फिर, नूडल्स लेते हैं और चाइनीज खाना लेंगे। मतलब यहाँ पे मेरे को पहली बार दिखा यहाँ पे पनीर फ्राइड राइस, नहीं तो कभी मिलता नहीं था आज तक, इतना खोजते थे। Maggie is vegetarian. But I don't eat it with vegetables. I just eat it with broccoli. अच्छा ठीक है, ब्रोकली भी तो वेजिटेबल है ना मिश्का? Yes. अब देखते हैं यहाँ पे कितना लगा हमारा पार्किंग का हॉस्पिटल में। 16.25 ठीक ही है, मतलब टोरंटो से तो अच्छा ही है। मैं इतना खुश हो गया आज स्कूल गई थी, इतना इसको परेशान नहीं हुई बेचारी को। और मिश्का को भी सब कुछ येलो दिख रहा है, फिर येलो कलर किस कलर का दिख रहा है मिश्का? ये सामने वाला ये जो ब्रिज है इसके नीचे जो वाली ये लाइट किस कलर की दिख रही है मिश्का? येलो। हाँ तो हमें भी तो येलो ही दिख रही है। अब बसर खत्म हो गया होगा, वो बस थोड़ी देर रहता है। We're a yellow-eyed family, right? Mama, let's sit here. मेरा बच्चू। Mama, there's a flower in that table. मम्मी शो डैडी आ रहे हैं, बस देखो। This table, Mama. This table? क्या हुआ मिश्का? हाँ ना, ये बोल रही है कि यहीं पे खा लें क्या? तुम उधर से बैठो, रुको रुको, तुम जाओ अंदर बैठो, अंदर बैठो मिश्का। That's okay मिश्का। और ये हक्का जोन का इतना बढ़िया था ना खाना, कि हमने रात में भी खाया फिर सुबह में भी खाया, क्योंकि रात में ना खाया नहीं जा रहा था बहुत, तो थोड़ा थोड़ा खा लिया, फिर सुबह में भी खाया, यही इतना टेस्टी था। The next morning. Well, we just need some icing because we wanna. I'll just go and put some sprinkles. Done. Jar is ready. Does it look yummy? Yes. Wait a minute. Eat it. Pretend. Okay. Because it's not real. It's sand. Yum! That is delicious. It's delicious. Thank you. 8 is 5. Mama, your turn to be it. Now your turn to be the mama. Now you want to be the ice cream man? Mama, please could you be the ice cream man? Please. Okay, lekin mujhe to ye play nahi karna aata. I don't know how to do it. Well, mommy, anyways, you have to get a spoon. Can you teach me how to do it? Sure. Give me training. Okay, so I'm making it. Mama, I'll hold it. Who wants some yummy Mommy, ice cream? Mommy, pretend I'm on vacation and you drive the ice cream truck. And I am making a video. Hi guys, today I'm on vacation.
I'm outside at the location right now. Look, there's an ice cream shop. Let's go. Hi. Hi. I want your yummy ice cream. You want a yummy ice cream? Yes. I have so many flavors. So which one do you want? I think I want purple chocolate. Purple chocolate? Yeah, that means a purple and... Okay, and that's a great choice, ma'am. We will take 5 minutes to prepare your order because your order is so unique. So we will take some time. How many scoops? How many scoops do you want, ma'am? Six. Six scoops? Yeah. Okay, so for that we will have at least 15 minutes. So are you ready to wait for that much? I can wait for them. I don't you can wait for that long. Okay. Put it in this plate. Okay, that's my training. Yeah, and I have more things to tell. Mm-hmm. And after I have one it's full, makes the plate full. Yeah. And also need to ask how much scoop? One scoop, two scoop, three scoop, four scoop, five scoop? Wait. You have to do one scoop, two scoops, three scoop. Four scoop, five scoop. It's a big number. Yeah. 100 is a big number. Do you know why? Why? I don't know. Is that funny? Yeah. No, I have to buy some scoop. It was not funny. No, it's so big. Wait, I have to give you a spoon. Mm-hmm. Voila! Ta-da! Here you go. Now you have to try and do it, okay? Yes. Okay. Mommy, come over here. Okay. Come over here. I have to go on this chair. Mama, go and stand over there. Make a full thing. I hope you will like my ice cream. Yeah. Yummy ice cream. I want yummy ice cream. Okay, so which flavor? I want strawberry. Okay, we have purple strawberry. Okay, you have purple strawberry. Yeah, who else? Hmm. Yeah, see, I have purple strawberry. You have? Oh, Mishka, I'm not sitting on this. Mishka, have? It's purple. It's purple. Okay. It's strawberry cherry. Okay. I mean, it's strawberry grapes. It's mixed together. Okay. So, we need this crab shake. Here's this.